सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य का पाठ 21 मेहनती चीटा का अध्ययन करेंगे। पाठ 21 मेहनती चीटा। बच्चों, ये कहानी जो है वो मेहनती चीटे की है। इस कहानी में चीटे को बहुत ही मेहनती बताया गया है। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको इस कहानी में कई चित्र दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में आपको उनका नाम जोड़ करके इस कहानी को पढ़ना है। चित्र दिया गया है, अलग अलग चित्र है, और जो चित्र है उसी का आपको नाम बोल करके कहानी को पढ़ना और समझना है। तो हम अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। एक था चीटा। ये देख रहे हैं ना आप लोग, चीटे का चित्र है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसे चीटा, ठीक है। एक था चीटा और एक था चूहा। चीटा बहुत मेहनती था, चूहा चालाक और कामचोर था। एक दिन चूहे ने चीटे से कहा, चलो गेहूं बोते हैं। चीटे ने कहा, ठीक है, चलो खेत जोताएं। चूहा बोला, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। चीटा सारा दिन मेहनत करके खेत जोत आया। चूहा बिल में सोता रहा। चीटा चूहे के पास गया और बोला, चलो अब खेत में गेहूं बो आते हैं। चूहे ने फिर बहाना बनाया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही गेहूं बो दो। चीटे ने गेहूं, ये किसका चित्र है, गेहूं का है, गेहूं बो दिए। कुछ दिनों में बालें उग आईं। जब बालें पक गईं तो चीटा, ये किसका चित्र है बच्चों, हसिया, हसिया लेकर चूहे के पास गया और बोला, चलो बाले काट ले। चूहे ने कहा, आज मेरे, ये किसका चित्र है, घर का, घर मेहमान आने वाले हैं, तुम बाले काट लो। चीटे ने फसल काटी और मेहनत से गेहूं अलग कर लिए। चीटा फिर चूहे के पास गया और बोला, चलो गेहूं का बंटवारा कर लो। चूहा बोला, बंटवारे की क्या जरूरत है, हम दोनों दौड़ लगाते हैं, जो गेहूं के ढेर पर पहले पहुंचेगा वही सारे गेहूं ले लेगा। चीटा उसकी चालाकी समझ गया, दोनों ने दौड़ना शुरू किया। चीटा चूहे की पूंछ पर, या आप देख रहे हैं ना चूहा की क्या है दिखाई दे रहा है चित्र में, पूंछ। चीटा चूहे की पूंछ पर चिपट गया। चूहा को पता ही नहीं चला, चूहा गेहूं के ढेर के पास पहुंचा तो उसे वहां एक, ये किसका चित्र है बच्चों, बिल्ली, बिल्ली बैठी दिखाई दी। चूहा डर से उल्टे, ये क्या दिख रहा है, किसका चित्र है, पैर का। चूहा डर से उल्टे पैर लौट पड़ा। चीटा उसकी पूंछ से उतरकर धीरे धीरे चलता हुआ गेहूं के ढेर पर जा बैठा। थोड़ी देर में
बिल्ली चली गई। चूहा वापस आया। चीटा मुस्कुराते हुए बोला, तुम कहाँ रह गए थे? चूहे भाई, मैं कब से तुम्हारी राह। ये देखो, ये रास्ता है ना, रास्ते का चित्र है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? राह देख रहा हूं। चूहा मुंह लटकाए चुपचाप चला गया। चीटा सारा गेहूं ले गया। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको इस कहानी को समझा रही हूं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। एक था चीटा और एक था क्या बच्चों? चूहा। चीटा जो था वो बहुत मेहनती था, और चूहा चालाक और कामचोर था। एक दिन चूहे ने चीटे से कहा कि चलो गेहूं बोते हैं। चीटे ने कहा, ठीक है चलो खेत जोत आते हैं। चूहा बोला, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। फिर क्या हुआ कि चीटा सारा दिन मेहनत करके अकेले ही खेत को जोत आया, और चूहा क्या करा, चूहा बिल में सोता रहा। चीटा चूहे के पास गया और बोला कि चलो अब खेत में गेहूं बो आते हैं। फिर चूहे ने बहाना बनाया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही गेहूं को बो दो। चीटे ने गेहूं को बो दिए। कुछ दिनों में बाले उग आई। जब बाले पक गई, तब चीटा हसिया लेकर चूहे के पास गया और बोला, चलो बाले काट लें। चूहे ने कहा, फिर उसने बहाना बनाया, क्या कहा उसने, कि आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, तुम ही गेहूं काट लो। चीटे ने फसल काटी खुद जाकर के अकेले, क्योंकि चूहे ने क्या किया, वो उसने बहाना बना दिया। फिर चीटा ने अकेले फसल काटी, मेहनत से सारे गेहूं को अलग कर लिए। चीटा फिर चूहे के पास गया और बोला, चलो बंटवारा कर लेते हैं। चूहा बोला, बंटवारे की क्या जरूरत है, हम दोनों दौड़ लगाते हैं, जो गेहूं के ढेर पर पहले पहुंचेगा वही सारे गेहूं ले लेगा। चीटा उसकी चालाकी समझ गया। दोनों ने फिर दौड़ना शुरू किया। फिर चीटा जो है वो चूहे की पूंछ पर क्या हो गया, चिपक गया। चूहा को पता ही नहीं चला कि उसकी पूंछ पर कौन चिपका है, चीटा चिपका है। और चूहा गेहूं के ढेर के पास पहुंचा तो उसे वहां एक कौन दिखाई दी, बिल्ली बैठी दिखाई दी। और चूहा, आप लोग जानते हैं ना, बिल्ली को देख करके क्या करता है, भाग जाता है। तो चूहा जो है वो बिल्ली के डर के मारे उल्टे पांव लौट गया। चीटा उसकी पूंछ से उतर करके धीरे धीरे बेचारा गेहूं के ढेर के पास जा बैठा, मतलब पहुंच गया। और थोड़ी देर में फिर बिल्ली भी चली गई। चूहा वापस आया। चीटे ने मुस्कुराते हुए बोला कि तुम कहाँ रह गए थे चूहे भाई, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था। चूहा मुंह लटकाए चुपचाप चला गया। और फिर सारा गेहूं कौन ले गया, चीटा ले गया। तो बच्चों, आपको कहानी समझ में आई? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने वालों को ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको आज का ये पाठ, मेहनती चीटा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।